कितने का हुआ है? मोदी जी शराब घोटाला कितने का हुआ है हमको बताएं, और पत्रकारों की भी हैकड़ी निकलेगी। केजरीवाल जी कैसे बाहर आएंगे? केजरीवाल जी बाहर आएंगे भैया, चार दिन के अंदर जन सैलाब। मोदी जी की रैली में कभी इतना लोग इकट्ठा हुआ है? और जिस दिन अनुराग ओझा बीजेपी के फेवर में बोलना और लिखना शुरू कर दे चुनाव से पहले, तो समझ जाना अनुराग ओझा के यहाँ भी ईडी का सम्मान आ गया है कि आपके चैनल पर मोदी जी 5 मिनट ईमानदारी से इंटरव्यू दे दें। अनुराग ओझा मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है, पहले ही सेटिंग हो गई है 400। तो फिर आप लोग क्यों फिर मैदान में उतर रहे हैं? इसका देखिए, 24 के बाद में सब खत्म, लोगों निकाला जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। कड़े से कड़ा फैसला जो है इसी बीच मोदी राज में लिया गया, अब इससे भी कड़ा फैसला लिया जाएगा अगले 5 साल में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है, ईडी की गिरफ्त में है, क्या कहेंगे पूरे मसले पर, कैसे देखते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी? लोकसभा चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हो रही है। देखिए, एक लाइन में अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, और ये हार की बौखलाहट है जिससे साफ पता चलता है कि तमाम विपक्षी नेताओं को बंद किया जा रहा है। आपको पता होगा हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया, इधर केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, ईडी सीबीआई का संबंध सबके पास में जा रहा है। और जिस दिन अनुराग ओझा बीजेपी के फेवर में बोलना और लिखना शुरू कर दे चुनाव से पहले, तो समझ जाना अनुराग ओझा के यहाँ भी ईडी का संबंध आ गया है, या तो बीजेपी वालों ने टिकट दे दिया है। तो ये तो एक चुटकुला बनता जा रहा है कि बीजेपी के लिए, लेकिन असल सच्चाई तो ये कह रहे हैं कि ये सरगना है, आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल वो सरगना है भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले। आप एक चीज बताइए कि जो रेड्डी है जिसने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जो सरकारी गवाह बन के बैठा है, दिल्ली में एलजी का भी चलता है, मुख्यमंत्री मतलब यहाँ पे कम है, एलजी का ज्यादा शासन है, दिल्ली में शराब घोटाला कितने का हुआ है भाई? शराब घोटाला कितने का हुआ है? मोदी जी शराब घोटाला कितने का हुआ है हमको बताएं। मोदी जी बताएंगे, पूछे मोदी जी से शराब घोटाला कितने का हुआ है, रूपका लियाकत बताएंगे, अंजनाम कश्यप बताएंगे, चित्रा त्रिपाठी बताएंगे कि घोटाला कितने का हुआ है, ईडी वाला बताएगा कितने रुपए का घोटाला हुआ है? ये लोग नहीं बता सकते हैं साहब, करोड़ रुपए की बात चल रही है, कितने करोड़ की भाई, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। एक डाटा होगा, मैं बता रहा हूँ कि 60 करोड़ रुपया इनको चंदा दिया था, जो रेड्डी था, जो इनका सरकारी गवाह, जो दारू सप्लाई करता था। अब आप बताइए कि घोटाला कितने का हुआ है, बता दीजिए भैया, प्रभात जी बता दीजिए। तो आरोप लग रहा है ना कि ये बीजेपी वालों को भी नहीं मालूम है, मतलब आरोप बेफालतू में लगाया जा रहा है। 250 करोड़ रुपए का चंदा किससे लिया है मोदी जी ने? बीफ वालों से, गाय के नाम पे जो गाय वाय काटने का काम करते हैं उनसे भी ले लिया है। आप बताइए, मोदी जी ने 466 करोड़ रुपया ऐसे व्यक्ति से चंदा ले लिया है जिसका कोई पता ही नहीं है। SBI कह रहा है मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि किसने चंदा दिया है, NDA मतलब नो डाटा अलायंस। आप बताइए कि उनका आंकड़ा है कि उन्होंने किसी ने कितना दिया है, किसी ने कितना दिया है, किसी ने कितना दिया है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है तो कितने का घोटाला किया है हमको बताइए भाई, घोटाला कितने का है? हवाला के जरिए जो पैसा गया था बता रहे हो, क्या कितने का? 100 करोड़ का क्या था? अरे भाई एक चीज बताएं, ये सिर्फ यूल फिजूल में फंसा रहे हैं लोगों को। हवाला घोटाला मोदी जी आके मुझसे डिबेट कर ले, हवाला घोटाला पे करेंगे, शराब घोटाला पे डिबेट करेंगे? मोदी जी किसी मुद्दों पर डिबेट नहीं कर सकते। हम एक चीज आपको बता दें कि आपके चैनल पर मोदी जी 5 मिनट ईमानदारी से इंटरव्यू दे दें, अनुराग ओझा मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है। लोग, जनता तो 400 सीट जिताने के लिए तैयार है, जनता नहीं तैयार है, मोदी जी खुद ब खुद जीतने के लिए तैयार है, पहले ही सेटिंग हो गई है 400। तो फिर आप लोग क्यों फिर मैदान में उतर रहे हैं, इसका क्या फायदा जाएगा? अगर जो मर्द थे वो जंग में गए और जो डैश थे वो संघ में गए, तो हम लोग तो भाई लड़ने वाले हैं, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है, संसद से संसदों को निकाला जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। कड़े से कड़ा फैसला जो है इसी बीच मोदी राज में लिया गया, अब इससे भी कड़ा फैसला लिया जाएगा अगले 5 साल में। हाँ, राहुल गांधी ने साफ तो कहा है कि अगले सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही जब ये सब सारे लोग जेल में चले जाएं कैसे कार्रवाई? अरे कितनों को जेल में डालोगे, कितने को जेल में डालोगे, कितने फांसी पर झूले, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि सावरकर ने आज़ादी दिलवाई थी? तो आप सबको जेल में डाल देते, हम हैं, ये हैं, वो हैं, आप हैं, सब हैं ना देश में, अब कितने को जेल में डाल देंगे साहब? देश में 140 करोड़ लोग हैं। मोदी का परिवार तो पूरा देश है बता रहे हैं। आप मोदी के परिवार हैं कि नहीं है? नहीं, हम तो नहीं मोदी के परिवार हैं, मोदी के परिवार की बात बता रहे हैं। मोदी का अगर परिवार होता तो मोदी का जो परिवार था मोदी जी ने उसको छोड़ दिया। अब मोदी जी आपके सगे होने वाले हैं, हमारे सगे होने वाले हैं, देशवासियों के सगे होने वाले हैं,
मोदी जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं बस। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी भीड़ अगर यहाँ जुट रही है, इसका क्या मायने? बदलाव 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 बदलाव, जनता मांगती है बदलाव। और जब जब मोदी डरता है, ईडी और सीबीआई को आगे करता है। ईडी सीबीआई के सीबीआई का जो है क्या रह गया, इसका विकल्प क्या रह गया? कुछ नहीं भैया, इसका विकल्प एक ही है, 24 के बाद में सब खत्म। अगर आज नहीं बोले, अगर आज नहीं बोले, अगर आज भी हम लोग खामोश रह गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। चाचा, हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहें। बुलेट ट्रेन वगैरह नहीं चाहिए, अभी जो आने वाला है। 10 साल में बुलेट ट्रेन नहीं दिया, 10 साल में बुलेट ट्रेन उसने नहीं दिया, अब वो बुलेट ट्रेन देगा? विश्वगुरु कैसे बनेगा फिर? विश्वगुरु में भैया 80 करोड़ लोग राशन नहीं खाता है, विश्वगुरु में सब लोग अपने पैसों का राशन खाता है। आप एक चीज बताइए कि मोदी जी जो ट्रेन चलाते हैं, मच्छर के टकरा जाने से वो ट्रेन ध्वस्त हो जाती है। अब क्या मोदी जी विश्वगुरु बना रहे हैं और क्या मोदी जी विकास कर रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि गालिब जिंदगी भर यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी आईना पोछता रहा। तो मोदी जी आईना पोछ रहे हैं, धूल चेहरे पर है वो साफ नहीं कर रहे हैं। और पत्रकार भी मोदी जी का चेहरा नहीं साफ कर रहा है, शीशा चमकाने में लगा है। आप लोग कह रहे हैं तानाशाही हो रही, तमाम चीज़ हो रही, रैलियाँ भी हो रही है आप लोगों की? देखिए, रैली तो हो रही है, और ये रैली नहीं, पूरा रैला है, जन सैलाब है। मोदी जी की रैली में कभी इतना लोग इकट्ठा हुआ है? इकट्ठा हुआ है कौन हुआ है जी? टीवी पे दिखता है, टीवी पे दिखता है। टीवी किसका? टीवी का पत्रकार किसका? टीवी। और फिर उस ग्राउंड में बैठने वाले लोग किसके? तो भैया, जब सब कुछ तुम्हारा है, रैली हो रही है मोदी जी की मान लो गुजरात में, और भीड़ दिखा दे उत्तर प्रदेश की, तो भीड़ भीड़ थोड़ी है। और भीड़ भेड़ों जो वो होते हैं ना, उनकी होती है, और शेर लोग जो होते हैं वो हमेशा विपक्ष में रहते हैं और सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं। और शेर जब जब दहाड़ा है, तब तक जो डरपोक बिलार होती है ना, उसकी हैकड़ी निकल जाती है। तो 24 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और पत्रकारों की भी हैकड़ी निकलेगी। केजरीवाल जी कैसे बाहर आएंगे? केजरीवाल जी बाहर आएंगे भैया, चार दिन के अंदर केजरीवाल साहब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब को ये गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने जो लोगों के दिल में जगह बनाई है, उनको कैसे गिरफ्तार करेंगे? जो केजरीवाल ने लोगों का दिल जीता है, उस दिल को कैसे गिरफ्तार करेंगे? मोदी जी सबको गिरफ्तार कर लीजिए, आप तो तानाशाह हैं महाराज, आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कैसी भी हुकूमत चला सकते हैं। हिटलर मरते दम तक झूठ बोलकर गया, उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है, और उस पोते का खात्मा 4 जून को खत्म होकर रहेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।